खड़ी है फुल मॉडिफाइड स्प्लेंडर। भाई ये बाइक तो आपको पता ही है कैसी है, ये लड़कों पे दिलों पे राज करती है। भाई ये बाइक ऐसी है ना, पहले आप बाइक की लुक देख लो कितनी प्यारी बना रखी है, देख लो पूरी मॉडिफाई करा रखी है, ऐसा कोई काम नहीं है जो इसमें छोड़ रखा हो हमने पूरी। भाई रोड पे चलती हुई भी ना पब्लिक देखती है ऐसे मुड़ के, इस तरीके से बना रखी है सच में। तो भाई आज इसमें दिखाए थे अगर आपको स्प्लेंडर बनानी है मॉडिफाई करनी है पूरी प्रॉपर तरीके से तो इसमें कितना पैसा लग जाते हैं और क्या क्या करवाए जिससे इसकी लुक इन्हेंस हो जाए, बढ़िया लगे देखने में। पर भाई इस काम में ना थोड़ा सा रिस्क है, इसमें चलान वलान का थोड़ा पंगा पड़ेगा क्योंकि इसमें नंबर प्लेट वगैरह हटा रखी है हमने लुक के चक्कर में, चलान वलान थोड़ा हो सकता है उसमें फिर भी, पर देखी जाएगी जो भी होगा। पर आप लुक देख लो कितनी प्यारी बना रखी है। तो पहले मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से कि क्या क्या इसमें हमने कर रखा है। तो देखो बंद कर। तो गाइज आप पहले अपनी स्प्लेंडर देख लो लुक कितनी प्यारी लग रही है। और स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले हम करेंगे इसके अलॉय व्हील्स की बात। हमने इसके भाई चेंज करा रखे हैं अलॉय व्हील, एस वाले लगा रखे हैं प्राडो के ब्लैक कलर, जो भाई इसके लुक सबसे ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। देख रहे हो ये देखो व्हील दोनों चेंज करा रखे हैं हमने इसके, ये देखो फ्रंट बैक दोनों व्हील चेंज है। तो भाई ये व्हील पड़े थे अपने को 5000 रुपये के, ठीक है ये वाले व्हील आपको 5000 रुपये पड़े थे। और भाई व्हील के बिना स्प्लेंडर में मज़ा नहीं आएगा, सबसे पहले व्हील ही चेंज कराने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हमने इसका टायर का, देख लो टायर कितना मोटा डलवा रखा पीछे वाला। और भाई इसका टायर का साइज़ है अपने, भाई थोड़ी बाइक आगे करिए टायर साइज़ दिखाइए, पीछे कर हल्की सी पीछे, बस 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 हमने भाई टायर का साइज़ लगवा रखा 100:90:18। तो भाई टायर का देख लो साइज़ कितना बड़ा करवा रखा हमने, और टायर की लुक देखो कितनी ऊंची लग रही है। इसके बाद हमने शॉकर बिल्कुल उठवा नहीं रखे, फिर भी टायर देखो कितना ऊंचा लग रहा है इसका। तो गाइज उसके बाद हम बात करेंगे हमने आगे वाला टायर हमने चेंज तो करवा रखा है क्योंकि अपना घिस गया था, पर है स्टॉक की तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पीछे टायर चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके हॉर्न की, ये देख लो हमने लगवा रखे इसमें रूट्स के हॉर्न दो, हमने लगवा तो भाई इसमें चार रखे थे, आपको ऊपर ही पत्ती दिख रही होगी, दो हमने सर्विस पर डाल रखे हैं इसके, तो दो बाद में वो वीडियो के चक्कर में मैंने पहले कहा पहले बनाई लेते हैं इससे बाद में लगवा लूँगा, दो सर्विस पे डाले हुए हैं। तो फिलहाल मैं एक हॉर्न की बता दूंगा आपको, 1000 रुपये का आसपास का एक हॉर्न पड़ता, दो पड़ जाएंगे 2000 रुपये के, मैंने चार लगवा रखे हैं तो मेरे तो 4000 रुपये लगे हुए हैं, दो में भी बढ़िया आवाज़ करती है वैसे ही। तो भाई उसके बाद हम बात करेंगे इसमें हमने करा रखी है फुल ब्लैक रैपिंग, पूरी टेप करवा रखी है फुल ब्लैक कलर की, ठीक है ये देख लो कहीं से भी कोई कलर नहीं बच रहा है इसमें, पूरी ब्लैक करवा रखी है आगे पीछे हेडलाइट बैक लाइट सब बैक करा ब्लैक करा रखी है। तो भाई उसका खर्चा आएगा आपको 1200-1300 रुपए का ब्लैक कराने का, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे हमने लगवा रखा है इसमें स्पोर्ट्स चैन कवर, ये देखो देख लो स्पोर्ट्स वाला चैन कवर लगवा रखा हमने, जो भाई इसका एलॉय ना बिल्कुल साफ दिखता है उसके बाद इसमें और बढ़िया लगता है। ये आपको मिल जाएगा भाई आफ्टर मार्केट 150-200 रुपए के आसपास विद फिटिंग का बता रहा हूँ, 150-200 रुपए के आसपास। इधर से देख लो इधर से तो कुछ खास खराब नहीं रखा। फिर इसकी हम आगे से बात करें हमने इसकी नंबर प्लेट भी चेंज करा रखी है, नंबर प्लेट भी भाई टूट गई है तो फिर से डलवानी पड़ेगी, ये पड़ी थी अपने को 200-250 रुपए के आसपास। और फ्रंट वाली लाइट भी चेंज करा रखी है, ये वाइट कलर की डलवा रखी है हमने, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा नाइट व्यू में इसका लुक कैसे लग रही है। ये बल्ब पड़ा था मेरे को 700 रुपये का, तो फिलहाल अब देख लो। और भाई और मैं ये और बता दूं इसके बाद हमने इसमें हटा के आगे रखा है, मैं पुलिस वाली लाइट भी लगवा रखी है, सॉरी बताना खाना भूल गया, और रात के टाइम में लुक दिखा दूंगा इसमें पुलिस वाली लाइट, ये भी अपने को ऐसी पड़ी थी 250-300 रुपये के आसपास, ये देख लो। फिर भाई उसके बाद आपको बात करें कि हमने इसके अंदर हटा के आगे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो भाई यहाँ पे ग्रिल आती है लेग गार्ड से बोलते हैं, यहाँ पे लेग गार्ड वो हटा रखा है, ठीक है। उसके बाद पीछे की जो ग्रिल होती है, जो ये सपोर्टर होता है सीट का सपोर्टर लंबे वाला, इसे हटा रखा है। पीछे का पूरा मरगार्ड हटा रखा है, जो टेल बोलते हैं इसे, टेल का मरगार्ड बोलते हैं, ये हटा रखा है। इधर से बात करें तो हमने जो पैर रखने वाला साइड गार्ड होता है यहाँ पे, वो ये जो होता है यहाँ से
ये हटा रखा, क्योंकि यार उसे लगने के बाद ना एलॉय ही नहीं दिख रहा था बिल्कुल, इस चक्कर में उसे हटा दिया हमने। ये देखो, तो भाई आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि स्प्लेंडर मेरी लग कैसे रही है। तो भाई एट लास्ट वीडियो को ख़त्म करते हैं, और भाई मुझे आप बताना ज़रूर मैं इसके अंदर और क्या मॉडिफिकेशन कराऊं जिससे मेरी बाइक अच्छी लगे और इसकी लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाए। ठीक है, ओके।